तो गाइस फाइनली न्यू बिल्डिंग के साथ इस गेम के डेवलपर ने इसमें न्यू हाउस भी ऐड कर दिया है। जी हाँ गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हो आज की वीडियो में होने क्या वाला है। आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा जो न्यू हाउस ऐड किया है इस गेम के डेवलपर ने, ये किस जगह पर किया है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ, और गाइस साथ ही मैं आप लोगों को BMW कार का चीट कोड बताने वाला हूँ, और मर्सिडीज कार का चीट कोड बताने वाला हूँ, और आर्मी टैंक का चीट कोड बताने वाला हूँ, और एंडियावर कार का भी चीट कोड बताने वाला हूँ। तो गाइस जो आज की वीडियो होने वाली है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए गाइस विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ न्यू हाउस जो है कहाँ पर ऐड किया है इस गेम के डेवलपर ने। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे ऐड कर दीजिए। तो भाई अब मैं आप लोग यहाँ पर बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है गाइज मैं आप लोग यहाँ पर एक धमाकेदार ट्रिक बताता हूँ जिससे जो है आप लोग रॉकेट बना सकते हो। जी हाँ गाइज, आप लोग रॉकेट बना सकते हो स्टिक बॉम्ब से। कैसे, यकीन नहीं आ रहा, मैं आप लोग यहाँ पर ट्राई करके दिखाता हूँ। गाइज आप लोग क्या करना है, यहाँ पर एक बाइक को स्पॉन करा लेना है। जैसे मैं यहाँ पर स्पॉन करा लेता हूँ हायाबुसा, हायाबुसा देखो मैंने यहाँ पर स्पॉन करा ली। अब क्या करना है आप लोग गाइस, इस बाइक के ऊपर बैठ जाना है। एंड देखो यहां पर मैं इस बाइक के ऊपर बैठ चुका हूं। अब क्या करना है, अब आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है। तो गाइस देखो यहाँ पर इस करेक्टर ने हेलमेट पहन लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस बाइक से नीचे उतर जाना है। तो यहाँ पर इस करेक्टर ने हेलमेट उतार दिया है। अब क्या करना है आप लोगों, गाइस यहाँ पर वेपन्स वाले ऑप्शन पे जाना है। वेपन्स वाले ऑप्शन पे जाते हो तो स्टिकी बॉम्ब चूज कर लेना है। तो भाई अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर काफ़ी दूर पहुँच जाना है ताकि जो अपना करेक्टर है उसकी डेथ ना हो। तो इतने दूर पहुँच चुके हैं हम, अब हमें क्या करना है गाइज, अब हमें यहाँ पर अपने फ़ोन पे क्लिक करना है। फ़ोन पे क्लिक करने के बाद हमें सेटिंग्स में जाना है जहाँ पे ट्रेन कंट्रोल होती है, जहाँ से वहाँ पर जाने के बाद आप लोग एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्टिक बॉम्ब का। वहाँ से जो है आप लोगों को स्टिक बॉम्ब को एक्टिवेट करना है। लेकिन एक्टिवेट कैसे करना है गाइज, आप लोगों को बार बार टैप करना है स्टिक बॉम्ब के ऊपर। आप लोगों को एक बार ही टैप नहीं करना है, आप लोगों को बार बार करना है। कैसे, अभी मैं आप लोग यहाँ पर ट्राई करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ, 3, 2, 1 एंड गो। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर बन चुका है रॉकेट, जैसे कि आप लोगों ने देखा कैसे क्या रॉकेट बना था। अभी मैं आप लोग यहाँ पर दोबारा से ट्राई करके दिखाता हूँ। गाइस देखो वो रहा अपने सामने हेलमेट, और उसके ऊपर जो है मैंने काफी सारे स्टिक बॉम्ब फेंक दिए हैं। तो अब देखो यहाँ पर मैं एक्टिवेट करता हूँ, सो 3, 2, 1 एंड गो। तो भाई देखो यहाँ पर अब जो रॉकेट है क्या खतरनाक यहाँ पर रॉकेट बन के गया अपने हेलमेट। तो भाई कैसा लगा धमाका, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दीजिए। तो भाई अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ न्यू हाउस जो है कहाँ पर ऐड हुआ है, आर्मी टैंक का चीट कोड क्या है, और एंडियावर कार का चीट कोड क्या है, और BMW कार का चीट कोड क्या है। लाइक करो तो ये बताऊंगा, तो कर दिया लाइक। नहीं देखो अभी तक गाइज आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, पहले लाइक करो। तो कर दिया, नहीं देखो गाइज अभी तक लाइक नहीं किया है। तो हाँ अब आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दिया है, तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइज जैसे कि आप लोग यहाँ पर फोटो देख सकते हो, इस गेम के डेवलपर ने फाइनली इसमें न्यू हाउस ऐड कर दिया है आप लोगों की डिमांड पर। एंड भाई ये जो बिल्डिंग है ये न्यू ऐड की है, एंड इस बिल्डिंग के नीचे ही आप लोगों को हाउस देखने को मिल जाता है। मतलब अब जो है गाइज आप लोग इस बिल्डिंग के अंदर जा सकते हो। ये गाइज आप लोग यहाँ पर ये वाला फोटो भी देख सकते हो, आप लोग जो है यहाँ से एंटर कर सकते हो इस घर के अंदर। जैसे आप लोग इस फोटो में देख ही सकते हो, ये फोटो जो है ये हमें इस गेम के डेवलपर ने कल ही भेजे हैं। तो अब मैं आप लोग बताता हूँ ये सिटी में कहाँ पर होने वाला है न्यू हाउस। गाइज अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते कहाँ पर होने वाला है, जो अपना हाउस है इस कलेक्टर का जो हाउस है उसके पास होने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं होने वाला है, उसके पास होने वाला है। क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये न्यू ऐड की है, एंड मुझे लग रहा है शायद ये पेट्रोल पंप के पास हो। यहाँ के जो पेट्रोल पंप है अपने इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम में, उसके पास हो सकती है अपनी बिल्डिंग। मतलब वहाँ पर आप लोग को देखने को मिल सकता है न्यू हाउस। तो ऐसा मुझे लगता है, बाकी तो तभी पता चलेगा जब इस गेम का अपडेट आएगा। तो अब बात करते हैं इसका जो अपडेट है कब तक देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो गाइस इसका जो अपडेट है वो आप लोगों को नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल सकता है। इस मंथ आने में इसके न्यू अपडेट के ज़्यादा चांस नहीं है, क्योंकि इसमें जो है इस गेम के डेवलपर अभी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, लाइक जैसे न्यू कार ऐड कर रहे हैं इसमें वो, और बहुत सारी बाइक्स ऐड कर रहे हैं, एंड मतलब कार भी बहुत बड़े बड़े ऐड कर रहे हैं इस गेम के डेवलपर इसके न्यू अपडेट में। तो भाई जो अपडेट है वो थोड़ा डिले होगा, लेकिन जो अपडेट होगा वो बहुत ज़्यादा जबरदस्त होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए आर्मी टैंक इसमें ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है, एंड वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा तो अब आप लोग देख सकते हो, ये आर्मी टैंक आप लोगों को इस अपडेट में देखने को मिलने वाला है, और इंडियावेयर कार भी देखने को मिलने वाली है आप लोगों को, उसकी फोटो भी आप लोग देख सकते हो, और ये न्यू हाउस भी देखने को मिलने वाला है, और बाकी और कुछ भी इसमें नया आने वाला है। अभी जो वर्क है गाइस इसके न्यू हाउस के ऊपर ही चल रहा है, अभी न्यू हाउस के ऊपर वर्क चल रहा है। जैसे न्यू हाउस के ऊपर वर्क कंप्लीट होगा तो फिर वो इसमें नई एक और सुपर कार ऐड करेंगे। तो भाई अपडेट
इस बार का सच में बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। तो गाइज अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग न्यू हाउस कैसा लग रहा है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अगर नहीं लग रहा तो कमेंट सेक्शन में नो लिख सकते हो। तो भाई आपकी मर्जी, आप लोग कैसा लग रहा है, बाकी मुझे तो ठीक ठाक लग रहा है, बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए आप लोग कैसा लग रहा है। गाइज मुझे ऐसा लग रहा है इसमें BMW कार आप लोग को देखने को मिल सकती है इसके न्यू अपडेट में। जी हाँ गाइज, BMW कार आप लोग को देखने को मिल सकती है, बाकी 50% चांस है। अगर आप लोग 100% चांस करना चाहते हो तो आप लोग क्या करना है गाइज, इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देने हैं, मतलब जितने ज्यादा आप लोग कमेंट करोगे जल्द देखने को मिलेगी BMW कार। तो भाई आई होप आप लोग पूरी बात को समझ गए होंगे। तो टोटल इसमें तीन चीज़ें अपनी ऐड हो गई है, एक अपनी एंडेवर कार, एक अपना आर्मी टैंक और एक अपना न्यू हाउस, तीन चीज़ इसमें ऐड हो चुकी है एंड अभी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होने बाकी है। तो क्या क्या आप लोग इसके न्यू अपडेट में ऐड करवाना चाहते हो जल्दी से मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए। और गाइज अब मैं आप लोग यहाँ पर कुछ चीट कोड्स बता देता हूँ, इसमें देखते हैं कौन कौन सी सुपर कार ऐड है। तो गाइज जो फर्स्ट नंबर पर अपनी कार होने वाली है वो होने वाली है लैम्बोर्गिनी, जिसका चीट कोड है गाइज 3333। एंड गाइज अब जो सेकंड नंबर पर अपनी कार होने वाली है वो होने वाली है बुगाटी, जिसका चीट कोड है गाइज 800। और देखो बुगाटी अपनी स्पॉन हो चुकी है। और भाई अब जो यहाँ पर अपनी थर्ड नंबर पर कार होने वाली है वो होने वाली है कोइनेक्सिस, जिसका चीट कोड है गाइज 900। और कोइनेक्स की भी अपनी स्पॉन हो चुकी है। और भाई अब जो नेक्स्ट नंबर पर कार होने वाली है वो होने वाली है ऑडी, जिसका चीट कोड है 500। और देखो 500 से अपनी ऑडी भी आ चुकी है। और गाइज अब जो नेक्स्ट नंबर पर कार होने वाली है वो होने वाली है पोर्चे, जिसका चीट कोड है गाइज 4000। एंड देखो पोर्चे भी अपनी स्पॉन हो चुकी है। और गाइज अब जो नेक्स्ट नंबर पर कार होने वाली है वो होने वाली है स्पोर्ट्स लैम्बोर्गिनी, जिसका चीट कोड है गाइज 700। एंड देखो अपनी 700 से स्पॉन हो चुकी है अपनी न्यू लैम्बोर्गिनी, जो है अपनी स्पोर्ट्स लैम्बोर्गिनी। और गाइज अब जो नेक्स्ट नंबर पर अपनी कार होने वाली है वो होने वाली है टार्जन कार, जिसका चीट कोड है गाइस 300। एंड देखो टार्जन कार भी अपनी स्पॉन हो चुकी है। तो गाइस इसमें टोटल इतनी सुपर कार ऐड है इस गेम में, एंड बाकी आप लोगों को और न्यू अपडेट में मिलने वाली है, और एक दो रह गई हो तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा उनका चीट कोड। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी सुपर बाइक इसमें ऐड है। तो गाइस फर्स्ट नंबर पर जो अपनी सुपर बाइक होने वाली है वो होने वाली है हायाबुसा, जिसका चीट कोड है गाइस 7000। जो नेक्स्ट नंबर पर अपनी बाइक होने वाली है वो होने वाली है कावासाकी निंजा H2R, जिसका चीट कोड है 3000। और भाई देखो कावासाकी निंजा H2R बाइक भी यहाँ पर स्पॉन हो चुकी है। और गाइज अब जो नेक्स्ट नंबर पर अपनी बाइक होने वाली है वो होने वाली है गाइज सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक बाइक होने वाली है। वो ना तो अपनी सुपर बाइक होने वाली है, लेकिन बस वो अलग ही बाइक है। वो क्या है गाइज, वो है अपनी घोस्ट राइडर बाइक, जिसका चीट कोड है गाइज 5555। एंड ये जो बाइक है ये इतनी ज़्यादा खतरनाक है, मतलब जितने भी व्हीकल आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं, जो भी मैंने अभी स्पॉन कराए हैं, ये उन सबको ब्लास्ट कर देगी। जी हाँ गाइस इतनी खतरनाक बाइक है, यकीन नहीं आ रहा। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर ट्राई करके दिखाता हूँ। देखो सामने बहुत सारी कार्स हैं, तो उन सबको हम एक साथ ब्लास्ट करके देखते हैं क्या धमाका होता है। भाई देख सकते हो यहाँ पर इतना खतरनाक धमाका हुआ है, जो अपनी घोस्ट राइडर बाइक है वो हवा में उड़ के चली गई है जुरासिक पार्क में। सारी जो जितनी भी कार्स थी वो सारी एक साथ फटी हैं। तो भाई कैसा लगा आप लोगों को धमाका, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और ये घोस्ट राइडर बाइक आप लोगों को कैसी लगती है ये भी बता दीजिए। तो गाइस अब जो नेक्स्ट नंबर अपनी बाइक होने वाली है वो होने वाली है ट्रोन बाइक, जिसका चीट कोड है गाइस 6000। एंड देखो ट्रोन बाइक भी अपनी स्पॉन हो जाएगी। और भाई अब जो नेक्स्ट नंबर पर अपनी बाइक होने वाली है वो होने वाली है कोबरा बाइक, जिसका चीट कोड है गाइस 4444। एंड ये बाइक तो मुझे समझ में नहीं आती है कोबरा बाइक कौन सी है, मतलब नाम भी इसका पहली बार सुना था जब इस गेम में ऐड हुई थी। एंड ये तो बाइक ही मेरी समझ में नहीं आती है। तो चलो आप बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ गाइस, जो होने वाली है आप सबकी फेवरेट स्प्लेंडर। एंड कोई सुपर बाइक नहीं है ये, वैसी नॉर्मल बाइक है, लेकिन स्प्लेंडर सच में बढ़िया बाइक है, आप सभी को पता ही होगा। तो अभी जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को सुपर बाइक के चीट कोड नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को मैं नॉर्मल वैसे भी बाइक के बता रहा हूँ और सुपर बाइक के बता रहा हूँ। तो जो नेक्स्ट नंबर पर अपनी बाइक होने वाली है वो होने वाली है पल्सर RS 200, जिसका चीट कोड है गाइस 5000। आप लोग देख सकते हो पल्सर RS 200 बाइक भी स्पॉन हो चुकी है। और भाई अब जो नेक्स्ट नंबर पर अपनी बाइक होने वाली है वो होने वाली है बुलेट, जिसका चीट कोड है गाइस 9999। और भाई आप लोग देख सकते हो जो बुलेट 350 है वो भी यहाँ पर स्पॉन हो चुकी है। पहले जो है इसमें अपने ब्लैक कलर में होती थी, लेकिन अब जो है इसमें न्यू ऐड कर दी थी इस गेम के डेवलपर ने। तो गाइज अब जो नेक्स्ट नंबर पर अपनी बाइक होने वाली है वो होने वाली है डुगाटी डिआईवल, जिसका चीट कोड है 777। और देखो डुगाटी डिआईवल भी यहाँ पर स्पॉन हो चुकी है। और गाइज अब जो नेक्स्ट नंबर पर अपनी बाइक होने वाली है वो होने वाली है यामा FZ10। एंड इसका चीट कोड है गाइस 888। तो गाइस अब जो नेक्स्ट नंबर पर बाइक होने वाली है ड्यूक, जिसका चीट कोड है गाइस 8888। और देखो ड्यूक 1290 भी यहाँ पर स्पॉन हो चुकी है। और गाइस अब जो नेक्स्ट नंबर पर अपनी बाइक होने वाली है वो होने वाली है अपनी पल्सर। एंड देखते हैं इससे कौन सी बाइक स्पॉन होती है। तो गाइस इससे स्पॉन हो चुकी है अपनी बनेली TNT बाइक। तो भाई टोटल इतनी बाइक्स इसमें ऐड है। और हाँ
यही बाइक नहीं गाइज, इसमें जो है अभी बहुत सारी बाइक्स ऐड है। अगर आप लोग ऑल बाइक्स के चीट कोड के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को ऑल बाइक्स के चीट कोड बता दूंगा। और गाइज आप सबकी फेवरेट रोल्स रॉयस तो रही गई, जिसका चीट कोड है गाइज 2000। आप लोग देख सकते हो जो रोल्स रॉयस है वो भी सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कार है। एंड सच में जब ये ऐड हुई थी इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड की थी गाइज, जो भी भाई वीडियो बना रहा था उसकी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा कमेंट रोल्स रॉयस के ही आ रहे थे। तो भाई रोल्स रॉयस सच में मोस्ट डिमांडिंग कार है इस गेम में, तो सच में इसके जो कमेंट थे सबसे ज्यादा किए थे आप लोगों ने, तो आप लोग इसमें रोल्स रॉयस भी ऐड कर दी गई थी। तो गाइज ऐसे सीन है अपनी न्यू कार्स का, अगर आप लोग इसमें न्यू कार्स को ऐड करवाना चाहते हो तो वो भी आप लोग के लिए ऐड कर दी जाएगी, लेकिन आप लोग जो है गाइज डिमांड करनी होगी बहुत ज्यादा। एंड मैंने आप लोगों को बता दिया डिमांड करनी कैसे है, आप लोग उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो में जाना है और इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना है। तो गाइज आई होप आप लोग पूरी बात को समझ गए होगे, अगर समझ गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो अपडेट से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई न्यू बिल्डिंग और ये जो न्यू हाउस है अपना, ये कैसा लगा आप लोगों को ये भी मुझे कमेंट करके बता देना। कुल मिलाकर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।